जलालुद्दीन तबरेजी, तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका गुजर हुआ। क्या हुआ? गुजर हुआ। और काजी निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन नमाज पढ़ रहे, तो उनके मुरीदों से पूछा कि काजी साहब क्या कर रहे? तो कहा हजरत ये नमाज पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? नमाज पढ़ रहे। कहीं की नमाज जब तक काबे का तसव्वुर ना हो, काबा से जो मुंह ना हो, नमाज था। और दिल में इरादा करे कि इस तरफ सीध काबा जब पता ना चले तब नमाज हो। अब ये गाजी साहब नमाज पढ़ते पढ़ते सुन रहे सलाम मेरा, और शेख जलालुद्दीन तबरेजी को बुलाया, कहा हजरात क्या बात कर रहे? काजी हूं काजी, क्या नमाज के मुताबिक हमारी नमाज कबूल की बात करते हो आप? फिर काजी हूं पक्का? आपने ये कहा था? हां। कहा देखो आप काजी जरूर हो, आप नियत करते हो काबा शरीफ तू मेरा, अगर सिर्फ पता नहीं तो दिल में याद रखते सिर्फ है, लेकिन फकीरों की नमाज और होती है, और फकीरों की नमाज और होती है। ये कहिए कैसे? कहो पता चल जाएगा हम काबा को देख के नहीं बल्कि असीम को देख के नमाज पढ़ते हैं। अब ये माने में बात आने वाली नहीं। क्या माने में बात आने वाली नहीं है? काफी समय का ऐसे कैसे हो सकता है? तो काजी साहब, काजी निजाम, काजी निजामुद्दीन अपने घर पे गए, और घर पे जाने के बाद लेटे, तो हमेशा आप वजू के साथ सो। क्या है? जो भी शख्स वजू के साथ सोएगा ना, अर्श का दीदार नसीब हो जाएगा, तुम्हारी रूह को जाएगी जो वजू के साथ होगा, सात आसमान की सैर होगी जब वजू के साथ होगा। तो बात यह है कि शेख काजी निजामुद्दीन खाब देख रहे हैं, अर्श शरीफ का दीदार कर लिया, और शेख जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह ताला ने जान नमाज मुसल्ला लेकर आए अर्श शरीफ पर, और मुसल्ला बिठाया और नमाज पढ़ रहे। उन्होंने क्या कहा था? हमारी नमाज और तुम्हारी नमाज में फर्क है। हम जब तलक सजदा नहीं करते जब तलक अर्श शरीफ को देख रहा है। ये अल्लाह वालों की नमाज है। जब नमाज पढ़ ली और ये ख्वाब देख रहे, ख्वाब से बेदार हुए, और फिर से जलालुद्दीन तबरेजी की बारगाह के हजरत, अब देखो हमारे रबी बापू ने क्या ख्वाब देखा मुझे मालूम ना हो, मोहम्मद बापू ने ख्वाब देखा मुझे मालूम ना हो, लेकिन अल्लाह वाले को सब पता होता है लेकिन बताते नहीं है। जैसे ही काजी साहब आए ना, काजी साहब के हाथ से जुड़कर विदार किया, कहा हजरत आप आए अच्छे दिन पर और नमाज पढ़ी, मुझे माफ कर दो। क्या कहा? मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया। ये अल्लाह वाले हम तो पूरी जिंदगी माफ नहीं करते, जरा माफ करना सीखो। क्या अल्लाह उसे राजी हो जाया करता है, और जो इत्तला हो, जो पहला सलाम करेगा आकर शाम करवाते, क्या इत्तला हो और जो पहला सलाम करे गले लग जाए बातें करे अल्लाह उसे बाकी ऐसा पहला सरकार करता। ये सौदा बहुत भारी है, आदमी को हसद होती है, कभी करने नहीं देता सेटा, इसलिए क्या इत्तला को पहला सलाम कर दो और इत्तला हो उसे दूर कर दो, मोहब्बत फैला दो और इत्तला को दूर करो आपका बाकी ऐसा पहला सरकार करता। रिश्तेदारी हमेशा जोड़ो तोड़ो नहीं। क्या आप ताल्लुक है वो जोड़ो तोड़ने की ताल्लुक, लेकिन आओ मेरे खाजा आए जब तलक बात ना करे दिल को करार नहीं मिलता है, मोहब्बत होगी ना उसी का नाम आएगा जो आशिकों का सुभान अल्लाह जरूर कहेगा। मेरे खाजा इनके राजा सुल्तान वलिया करम नवाज खाजा खाजगा अताए रसूल कहो सुभान अल्लाह, अताए रसूल है मेरे खाजा आए हिंदुस्तान में। अब खाजा को वो पावर मिला है अताए रसूल, बे औलाद उसे औलाद अता हर बार
मुस्ताक, एक शख्स आया मुझे डराया, आ रोते से सर हजरत वाना जाना कोरोना फिट करते थे। अच्छा, और वहां स्टेशन के बाद क्या होगा? बोला आपको पुलिस वाले ले जाए। अच्छा, और क्या होगा? तो चौकाजी में रखेंगे तो वारंट है। अब जो आएगा सलाह देने बेचारा, तो उसको तो कुछ बोला नहीं जाता क्या? अभी हमारे अल्ताफ भाई ने मैंने बोला ये डराने की बात है, जिसको खाजा बुलाएगा उसे जाना ही जाना। मेरे खाजा किसे बुलाएंगे उसे जाना ही जाना है, तो वो खाजा कैसे बुलाए? आप हैरान हो जाओ कि माँ की दुआ क्या है। फिर एक हदीस बयान करोगे कि माँ की दुआ है क्या। मैं बैठा हुआ था, मैंने 10 बजे मेरी माँ को कहा कि माँ का तू तो हर साल जाता है मेरे बेटा। मैंने बोला माँ 20 साल 21वां साल है, लेकिन क्या हुआ का नहीं हुआ का जब दुआ करती हूँ कहो सुभान माँ की यह दुआ हो। हाथ उठे मैंने, हमारे साथ आवाज है भाई अरफा टूर वाला, उसे फोन किया कि तुम्हारा क्या हाल हवाल है। बोला तो हमारी टिकट का हो गया लेकिन और कोई टिकट नहीं है, लेकिन आपको नंबर देता हूँ वहां एक टिकट मास्टर है अगर हो जावे तो मेरा नंबर ला। उसने मुझे नंबर दिए, यहाँ मेरी माँ दुआ कर रही है, अभी आधा घंटा हुआ है। मैंने फोन लगा उस साहब को, क्या वो भी मुसलमान था, तो मैंने उसे सलाम किया। मैंने बोला टिकट का हो जाए तो कागजत में ट्राई करता हूँ। क्या कहा? ट्राई करता हूँ, और अब उसका नाम है, ट्राई करता हूँ। मैंने कहा ट्राई कर, तो उसका बोला हजरत एक टिकट का हो गया, ये मेरी माँ की दुआ है और खाजा का फेज है, ये खाजा का फेज है। तो ये कैसी मदद होती? जब मैं पहुंचा तो लोग कह रहे आप आए कैसे? कहा मेरी माँ की दुआ से आया। और मेरे खाजा बोला वहां कोई चेकिंग नहीं, क्या कोई मास नहीं, कोई था कोई रोकने वाला नहीं। अरे खाजा किसे बुलाया अपना मेहमान है? तो हम खाजा के मेहमान खाजा बुला बने बाराती बन जाया था, तो वो खाजा की बारगाह में पता चला कि खाजा अल्लाह रसूल देते हैं। तो एक शख्स गया वहां खाजा की बारगाह। अब देखो मेरे वहां जाओ तो क्या करो, कुरान की तिलावत करो, मेरे खाजा दुआ कबूल करा ले, बड़ा दुआ कबूल हो तुम्हारा। अब ये आदमी कुरान पढ़ा तो जाकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने लग गया। अरे गुलामी पढ़ने लगा, सजो को दिल का पढ़ता रहा नमाज का हो तो नमाज फिर आ गया, कुरान की तिलावत करता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, फिर आया नमाज पढ़ी फिर कुरान की तिलावत, फिर दुआ की मेरे खाजा जो मेरी कार्य तमन्ना, मेरी बेटी की शादी, मेरे पास पैसे नहीं है, सबके पास गया किसी ने नहीं दिया, मेरे खाजा आप बताए रसूल लेकर फरमाइए, फिर कुरान की तिलावत करता रहा, फिर आप अल्लाह की दुआ करें। अचानक एक औरत नाचने वाली तहर, उसने बोलना शुरू किया खाजा मेरी तमन्ना पूरी करो। थोड़ी देर हुई उसका काम हो गया, कहा मेरे खाजा दूसरी तमन्ना मेरी ये है। थोड़ी देर हुई फिर तमन्ना हुई तो दुआ कबूल हो गई। ये बेटा बेटा देख रहा है कि ये जेब मांगती है औरत डांस करने वाली, इसकी तमन्ना पूरी करते मेरे खाजा, और ये बोल के चली गई, तमन्ना पूरी हो गई। अब इससे रहा ना गया कि मैं इतने दिनों से वक्त के साथ नमाज पढ़ता हूं, तिलावत कुरान करता हूं, और खाजा ने मेरी दुआ। अब खड़ा हुआ जलाल में आया, कहा खाजा तुमने इंसाफ नहीं किया, अल्लाह खाजा मैं अपने लिए नहीं आया था, मेरी बेटी के लिए आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी बेटी की शादी करने के लिए इसलिए आया था। खड़ा हुआ और दोनों अपने हाथ मजाक में मारे अल्लाह अकबर पछाड़े इस तरह, और कहकर रोता हुआ गया था, रोता हुआ जा रहा है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है और कहता मेरे खाजा तुमने इंसाफ नहीं किया, एक नाचने वाले की फौरन दुआ कबूल कर ली, और मेरी दुआ कबूल ही और नाचने वाली की दुआ कबूल हो गई, मेरी दुआ रो रो कर जा रहा है। बुलंद दरवाजे के पास एक पुरानी केले वाला शख्स खड़ा है और सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो रोता था वो आदमी, तो वालेकुम सलाम अदब के साथ खड़ा हो गया। और इस तरफ खाजा की तरफ देखता है रोते की तरफ, उस शख्स को कहा देखो
कलम की तिलावत करता है नमाज के बाद। इतने रोज हो गए, इतने दिन हो गए, मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, खाजा इंसाफ नहीं करते अल्लाह अकबर। तो वो नूरानी चेहरे वाले शख्स कहते क्या हुआ? कहा मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे के लिए आया था, इंतजाम हो जाए, लेकिन मेरे सामने डाकने वाली आई और उसकी दुआएं कबूल हो गई, मेरी दुआ कबूल ना हुई। तो नूरानी चेहरे वाले से कहते तेरी दुआ कबूल हो गई, कबूल सुभान अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई। आप कैसे कह सकते हैं? ये देख, कहा जितनी पोटली थी ना ठेला, उसमें सोना ही सोना था। ये ले, तेरी तमन्ना पूरी हो गई। आओ कोने का मैं खा जाओ, कदम गिरा खा जाओ। इतने रोज हो गए मैं तिलावत करता था, मेरी दुआ कबूल क्यों ना हुई? कहा ये राज की बात थी, तो कुरान पढ़ता था मैं रोजाना सुना करता था, होया करता था, इसलिए तेरी दुआ रोक ली थी। और इसकी मुझे आवाज पसंद नहीं थी, क्या थी? ये नाचने वाले की मुझे आवाज पसंद नहीं थी औरत की, इसलिए उसे बरता करता था। और कहा ले एक बात मुझे बताओ, तू जब निकला ना ये दोनों हाथ, ये क्या हुआ खाटा? अपना जुबा वरत दिखाया तो दो हाथ के निशान थे। खाटा है, किसने मारा है? पर तूने ही मारा है, जब तूने ही मारा मजार पे तो हाथ पछाड़ने मेरे पीठ पे लगे आए। ये मेरे गरीब नवाज, इसलिए सारे का खाजा हिंद वो दरबार आ